दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज तक तब्बू क्यों सिंगल है? तब्बू ने आखिरकार शादी क्यों नहीं की? क्या इसके पीछे की पूरी वजह है अजय देवगन? क्या अजय देवगन की वजह से कभी नहीं हो पाएगी तब्बू की शादी? आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा और क्यों अजय देवगन नहीं करने दे रहे हैं तब्बू को शादी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। वेल दोस्तों, हमने बहुत सारी फिल्मों में तब्बू और अजय देवगन को एक साथ देखा है, लेकिन आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि तब्बू ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्यों तब्बू अभी तक सिंगल हैं? तब्बू ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया है कि अभी तक वो सिंगल क्यों हैं और आगे चलकर भी उनकी शादी क्यों नहीं हो सकती है। वैसे तो तब्बू का नाम जो है टेलीविजन से लेके बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा है। ऐसा कहा जा रहा था कि तब्बू ने बहुत सारे एक्टर्स को डेट भी किया था, लेकिन अजय देवगन की वजह से उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया था। वैसे तब्बू और अजय देवगन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इनकी लगभग सारी फिल्में सुपर डुपर हिट होती है। दृश्यम हो या फिर प्यार दे दे हो या फिर गोलमाल हो, सारी पिक्चर्स में तब्बू और अजय का जो कॉमेडी भरा स्टाइल है या फिर रोमांटिक अंदाज है, फैंस को खूब राज आता है। वेल, एक ज़माना ऐसा था कि अजय देवगन और तब्बू कॉलेज में फ्रेंड्स रहा करते थे। तभी तब्बू की पहचान जो है अजय देवगन से हुई थी। उसी दौरान जो है अजय देवगन की पहचान तब्बू के कज़न से भी हुई थी, जिसका नाम राहुल है। वेल, राहुल और अजय की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, यहाँ तक कि अजय देवगन के घर के बगल में राहुल ने अपना घर ले लिया था। इन दोनों की बॉन्डिंग के चलते तब्बू जो है सिंगल रह गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का तब्बू से क्या कनेक्शन है। वेल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तब्बू को लेकर अजय देवगन काफ़ी पॉजिटिव हैं। तब्बू को वो अपने बेस्टेस्ट फ्रेंड मानते हैं। तब्बू जो है कभी किसी के साथ अफेयर या फिर रिलेशनशिप में आती थी, अजय देवगन और राहुल पहुँच कर उस लड़के की खूब क्लास लगाते थे, तब जाके वो लड़का तब्बू को छोड़ देता था। और इस बात की जानकारी खुद तब्बू ने दी है। तब्बू ने अपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया है कि जब कभी भी मैं किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में बढ़ने की कोशिश करती थी, राहुल और अजय जाकर उसकी जमकर क्लास लगा देते थे, जिसके चलते आज तक मैं सिंगल हूँ। अजय देवगन की वजह से आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई है और मैंने कई बार अजय देवगन को सही लड़का चुनने के लिए मेरे लिए ढूंढने के लिए कहा है, लेकिन उसने कभी मेरे लिए कोई राइट इंसान नहीं ढूंढा। तो जितने भी रिश्ते उसने मेरे लिए लाए थे, मैं जो है उनसे नाखुश थी। ये बात का खुलासा खुद तब्बू ने किया है और तब्बू ने बताया है कि अजय देवगन ने उसे कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं बनने दिया, क्योंकि जितने भी लड़कों को तब्बू डेट करती थी, अजय को उनमें से एक भी लड़के नहीं पसंद थे और अजय की जो चॉइस थी वो कहीं ना कहीं राहुल से मिलती थी, इसलिए राहुल को भी तब्बू द्वारा पसंद किए गए कोई भी लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वेल, तब्बू ने ये भी कहा है कि अब मुझे नहीं लगता है कि मेरी शादी हो पाएगी। वेल, एक टाइम ऐसा था जब अजय देवगन और तब्बू के लव अफेयर की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा जोरों पर थी। तभी काजोल से पूछा गया कि आपका क्या कहना है तब्बू और अजय के रिलेशनशिप को लेकर। काजोल ने बताया था कि तब्बू जो है एक सिस्टर की तरह है अजय के लिए। इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है काफ़ी स्ट्रांग है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इनका जो रिलेशनशिप है काफ़ी प्योर है। वेल, काजोल को भी अजय और तब्बू के इस फ्रेंडशिप से बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है। वेल दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी यही लगता है कि तब्बू जो आज सिंगल हैं इसके पीछे की वजह अजय देवगन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है या फिर चटपटी गॉसिप्स है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूँगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।